सियासत में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस यही गीत दोहराया जाता है कि मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब प्यार। यह बात तब सही साबित हो गई जब 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज का नारा बुलंद करने वाली भाजपा के सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी सियासी फिल्म का आ गले लग जा का हीरो ही महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया गया। मंगलवार को सुबह 11 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के गृह मंत्री अमित शाह और फिर उनके साथ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसके बाद दोपहर 12:10 पर उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से अपना इस्तीफा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने 20 मिनट बाद ही उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। मंगलवार को दिल्ली और भोपाल में राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से घुमा कि निष्कासन के 5 मिनट के भीतर सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों सहित 19 विधायकों ने अपने इस्तीफे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को भेजकर राज्य की कमलनाथ सरकार को आईसीयू में पहुंचा दिया। कहावत है कि डूबते जहाज को छोड़कर सबसे पहले चूहे छलांग लगाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर राज्य में डूबते ही कांग्रेस के 3 अन्य विधायक भी अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की नींव में सवार हो गए। रात एक सपा और बसपा के एक एक विधायक भी शिवराज के साथ दिखे। वहीं आज मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर तक भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी ज्वाइन करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसी बीच खबर यह भी है कि ग्वालियर चंबल संभल के लोग चाहते हैं कि सिंधिया भाजपा में शामिल ना होकर अपनी अलग पार्टी बनाए। सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। इसकी घोषणा भी बुधवार को दिल्ली में होगी। केंद्रीय सत्र के बाद सिंधिया को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों ने सिंधिया के इस्तीफे की खबर लगते ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले सिंधिया समर्थक विधायकों में से 5 से 7 को मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्री पद दिया जा सकता है। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर भाजपा ने अपने 105 विधायकों को भोपाल से बाहर रवाना कर दिया है। इसमें से 8-8 विधायकों का एक ग्रुप बनाया गया है। हर एक ग्रुप में एक विधायक को ग्रुप लीडर भी बनाया गया है। वह सभी विधायकों पर नजर रखेंगे। विधायकों को अलग अलग बसों से दिल्ली, मानेसर और गुड़गांव के होटलों में भेजा जाएगा। उधर सिंधिया समर्थक विधायक भी बुधवार को बेंगलुरु से दिल्ली लाए जाएंगे। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो ही विधायक भोपाल आएंगे, नहीं तो इन्हें राज्यसभा चुनाव के वक्त ही भोपाल बुलाया जाएगा। इधर भोपाल से भाजपा विधायकों के साथ ही बड़े नेताओं का दिल्ली जाने का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली रवाना हो गए हैं। बेंगलुरु में ठहराए गए सिंधिया समर्थक विधायकों को बुधवार को बेंगलुरु से दिल्ली भेजा जाएगा। इसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, रघुराज कंसाना, कमलेश जाटव, रक्षा सरोनिया, जजपाल सिंह जज्जी, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, गिरिराज दंतोड़िया, यशवंत जाटव, गोविंद सिंह राजपूत, हरदीप डंग, मुन्ना लाल गोयल, बिजेंद्र यादव शामिल हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.